नगर पालिका पुष्कर की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई संपन्न। सीवर की समस्या और पालिका के सफाई कर्मियों का छाया रहा मुद्दा। राज्य सरकार की ओर से पुष्कर नगर पालिका में समितियों के गठन के बाद आज स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की बैठक संपन्न हुई। समिति की अध्यक्ष उमा दगदी की सदारत में बैठक संपन्न हुई। अधिशासी अधिकारी कीर्ति कुमावत ने बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनाया। चालू वर्ष में सफाई संबंधी सभी ठेकों पर बैठक में आम सहमति बनी। बैठक के दौरान सदस्य धीरज यादव, शंभू चौहान ने पुष्कर की सीवर की समस्या का मुद्दा उठाते हुए इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही यादव और चौहान ने पुष्कर की सफाई व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पालिका के सभी कर्मचारियों को सफाई कार्य में ही लगाने की मांग की है। पार्षद जयनारायण दगदी, शंभू चौहान ने पालिका के वाहनों को ठीक करवाने की मांग उठाई। पार्षद स्मृता पाराशर ने कस्बे सहित घाटों में घूमने वाले आवारा जानवरों की समस्या का मामला उठाया। समिति सदस्य भाजपा पार्षद कमल रामावत और पिंकी तेजी बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में पार्षद ओम प्रकाश डोलिया, पुष्पा दायमा भी उपस्थित रहीं। अध्यक्ष उमा दगदी ने बताया कि कस्बे को स्वच्छ और सुंदर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और सीवर समस्या के समाधान के लिए भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। बैठक में सहायक अभियंता पारसमल जैन भी मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी कीर्ति कुमावत ने बताया कि पुष्कर की सीवर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नगर की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर बैठक की गई है कि सरोवर में जो सीवरेज का जो गंदा पानी जा रहा है उसको कैसे रोका जाए, और नगर में आवारा जो जानवर है उनको अन्य स्थान ले जाकर छोड़ा जाए। साफ सफाई की व्यवस्था के लिए, घाटों की साफ सफाई के लिए हर वार्ड में नगर पालिका में स्वच्छ और सफाई की व्यवस्था समिति की बैठक की आज, और यही चाहते हैं कि हम पुष्कर में साफ सफाई दें। ये घाटों में जो आवारा जानवर घूम रहे हैं उनको स्थान अलग अलग जगह मतलब छोड़ा जाए, उनको घाटों से हटाकर जो घाटों में गंदगी ना होए, और सफाई कर्मचारी हैं और उनको भी मतलब घाटों की सफाई के लिए अच्छी तरीके से सफाई होनी चाहिए घाटों में। और बरसात के मौसम में जो सीवरेज का पानी जा रहा है पुष्कराल में उसकी भी ढंग से सफाई होएगी। आज सफाई स्वच्छता जो पहली मीटिंग आहूत की गई और नगर पालिका की मेरे ख्याल से पहली मीटिंग थी है, और इसके अंदर हमने जो नगर पालिका के रेगुलर तीन ठेके होते हैं उस पर चर्चा की गई है, और इसमें हमने जो रेगुलर कर्मचारी जो यहाँ नहीं आ रहे थे उसके बारे में बताया गया कि भाई मैडम पूरे रेगुलर कर्मचारी को यहाँ बुलाया जाए, और जो वार्ड के अंदर जो कर्मचारी जो पार्षदगण हैं वो उनकी एक ही शिकायत थी कि भाई बार बार सफाई नहीं होती है, ये नहीं होती है। उसके अंदर ये हमने बोला है विशेष तौर पर कि भाई सभी पार्षदों को बोल के, जितने भी कर्मचारी को बोल के वहाँ जो वार्ड है उनमें परमानेंट कर्मचारी लगाए जाए, जिससे कि वार्डों की जो गंदगी हो रखी है वो सुचारू रूप से दूर हो सके। दूसरा हमने सीवरेज का मुद्दा उठाया, इसमें मेन था हमारा, और हम कांग्रेस पार्टी शुरू से इस मुद्दे को लेकर चल रहे थे कि भाई ये सीवरेज का मुद्दा है, ये मुद्दा रहना नहीं चाहिए, इसमें काम होना चाहिए। काम नहीं हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है। इतने सालों से डुलम डुल चलता आ रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें मैडम ने बोला है कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इसके अलावा सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत से सुझाव भी प्राप्त हुए जिनका इम्प्लीमेंट करके हम शीघ्र सफाई व्यवस्था में लागू सुधार करते हैं। हम जो विकट समस्या भी सीवरेज के ब्लॉकेज को लेकर आ रही है उसके संबंध में कोई स्थायी समाधान सीवरेज के, तो हमने टेंडर कर रखा है, हम समय समय पर चैम्बर साफ करवाते रहते हैं, और कुछ जगह छोटे छोटे हमने पाइपलाइन डाल के इसका समाधान करें।